ये तो कैसे हो यार सभी लोग। तो ये वाली वीडियो है अपनी IGT लाइफ सपोर्ट के ऊपर। अब जिनको नहीं पता IGT लाइफ सपोर्ट क्या होता है, तो सिंपल भाषा में जैसे कि कोई भी हमारी सिम होती है, मोबाइल फ़ोन की सिम होती है हमारी, लाइक एयरटेल, आइडिया, जियो, कोई भी हमारी मोबाइल फ़ोन की सिम होती है, उसी तरह से उसका एक कस्टमर केयर होता है जहाँ पे हम अपनी प्रॉब्लम होती है, हमें कोई नेटवर्क इशू होता है या फिर कोई जो भी प्रॉब्लम होती है, हम कस्टमर केयर को कॉल आके पता करते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है हमें, हम पता कर लेते हैं कस्टमर केयर को कॉल करके। तो वैसे ही IGT लाइव सपोर्ट जो है वो इस गेम का कस्टमर केयर सर्विस एक तरीके से बोल सकते हैं, जो कि काफ़ी सारे काम करती है लाइक गेम्स रिलेटेड, ठीक है ना। अपनी जीमेल आईडी वगैरह चेंज करना से लेके सारी काफ़ी चीज़ें होती हैं। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि यार आईडी कैसे चेंज करें, तो IGT के लाइव सपोर्ट से बात करके कर सकते हैं, पर उसकी जो प्रोसेस है बहुत ही मुश्किल रहती है, इतनी इजी नहीं है। तुम्हें तुम्हारे फर्स्ट परचेज़ से लेके लास्ट परचेज़ तक की डिटेल्स देनी पड़ती हैं, एंड जो भी इंफॉर्मेशन मांगते हैं वो बहुत ही मतलब ऐसी होती है, काफ़ी ना मतलब कैसे बताऊँ मैं अब। पर जो मेन चीज़ है जो मैंने देखा है, खुद एक्सपीरियंस किया है, एंड जितने भी मेरे फ्रेंड वगैरह हैं उन सभी का यही मानना है कि इस गेम का जो लाइव सपोर्ट है वो सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि देखो लाइव सपोर्ट पहली बात है कहाँ पे, हेल्प में जाओगे आप, यहाँ पे आपको लाइव सपोर्ट दिख रहा है, तो जब भी आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, आपका एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपकी जो अकाउंट की आईडी है उससे आप अपना जो भी इशू रहता है वो यहाँ पे टाइप कर सकते हो, उसके बाद में सबमिट करके आप क्या बोलते हो एक वहीं के किसी ऑपरेटर से बात कर सकते हो, उसको अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, एंड काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। अगर मुझसे कोई पूछे, देखो अभी कुछ टाइम पहले मैंने मेरे बैग में से जो हमारी वुड होती है ना, वुड, ये मैंने वुड जो 500 की है, एक सेकंड रुकना, ये कुछ 800 मिलियन से ज़्यादा है, तो मैंने सारी की सारी गलती से ओपन कर ली थी, एंड मुझे वैसे पता था कि इसको हम वापस बैग में कैसे डालते हैं, बात करके IGT के लाइव सपोर्ट में जाके मतलब रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने ये बात बता के, तो वापस आ जाती है। मैंने एक फ्रेंड से पूछा अपने से, उसने बोला हाँ ऐसा कर सकते हैं, मैंने बात की एंड उनको बताया, उन्होंने बोला कि अपने अकाउंट में जाके जो आउटर का ये यहाँ का स्क्रीनशॉट दे दो, एक कितना रिसोर्सेज है, आपको कौन सा रिसोर्सेज डालना है अपने बैग में वापस, एंड आपने जो रिसोर्सेज था आपका कब ओपन हुआ था। तो मैंने बोला कि यही कल ओपन हुआ था, मैंने स्क्रीनशॉट लेके उनको भेज दिया। अब इसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने बोला कि ठीक है, हमने आपकी जो रिक्वेस्ट है वो मतलब उस पर प्रोसेस जो भी रहेगा, उसकी जो भी प्रोसेस रहेगी वो हो जाएगी। तो 4-5 घंटे बाद जो मेरे आउटर में टिम्बर था वो यहाँ से मतलब का इन लोगों ने का जादू से मतलब कुछ भी छड़ी घुमा के काट लिया, यहाँ से मतलब यहाँ से उन्होंने कहीं मतलब ट्रांसफ़र कर दिया। अब ट्रांसफ़र में मैं बोलूँ ट्रांसफ़र कहाँ कर दें मुझे नहीं पता, पर हाँ मेरे आउटर से वो और सॉरी टिम्बर जो था वुड हमारा वो गायब हो चुका था, बिल्कुल नहीं था, ज़ीरो हो गया था। और उसके बाद में उन लोगों ने बोला था कि हाँ ठीक है, आपके जो भी प्रोसेस रहेगा उसमें कम से कम 24 आवर्स का टाइम लग सकता है। सो नेक्स्ट 24 आवर्स में मेरे को एक मेल आया, एंड गेम में भी मेरे को नोटिफिकेशन आ गया था गेम में कि आपको रिसीव हो गया इतना टिम्बर, एंड एक मेल भी आया था जो कि उन्होंने आईडी मांगी थी एक कॉन्टैक्ट करने के लिए, तो मैं वो मेल दिखा देता हूँ एक बार। सो यहाँ पे देख सकते हो ये वो मेल है जो कि उन लोगों ने मेरे को सेंड किया था। यहाँ पे मेरा 856 मिलियन टिम्बर जो था आउटर में वो कट करके उन लोगों ने वापस मेरे बैग में डाल दिया। तो सोचो ये सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है, ठीक है, इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अगर दूसरे गेमों में देखो, वहाँ पे तुम अपनी कोई कंप्लेन डालते हो या कोई इशू डालते हो, कोई भी गेम ले लो, पहली बात तो तुम्हारी जो कंप्लेन रहती है या जो भी तुम्हारा इशू रहता है उसका रिप्लाई आने में ही 1-2 दिन का टाइम लगता है, पर यहाँ पे तुम तुरंत अपना इशू वगैरह कर सकते हो, जो कि काफ़ी सही है। सो अगर अभी देखो, अभी हाल फिलहाल की बात है, कुछ टाइम पहले एक ग्लिच हुआ था जहाँ पे तुम काउंटर भी करोगे मगर फिर भी तुम्हारे ट्रूप्स जो हैं वो डेड होंगे, तो काफ़ी लोगों के ट्रूप्स मारे थे उसमें। सो जिन जिन लोगों ने इस तरीके से ट्रूप्स मारे थे उन लोगों ने रिपोर्ट वगैरह इन्फॉर्मेशन देख के
बोला IGG को, एंड IGG वालों ने उनको स्पीड अप प्लस रिसोर्सेज भी दिया वापस। तो हाँ, मतलब यहाँ से देख सकते हो गेम वाले मतलब इतने भी वेल्ले नहीं है, काम करते हैं। और एक और चीज़, लोगों को लगता है कि जिनसे बात होती है वो बॉट है, नहीं, वो बॉट नहीं है, वो असली इंसान होते हैं। सो हाँ, तो इसका यही सीन है। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो IGG लाइव सपोर्ट से, कोई तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन हो, बात कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है, आराम से तुम बात कर सकते हो, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। एंड करनी चाहिए, अगर तुम्हारा कोई इशू है या फिर कोई प्रॉब्लम है या तुम्हारे गेम में कोई प्रॉब्लम है, गेम नहीं खुल रहा या फिर कोई मतलब चीज़ है, तो हेल्प मिल सकती है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। अदर चीज़ों से देखा जाए तो इस गेम का IGG जो है कंपनी, इनका ये लाइव सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, वाकई में अच्छा है। सो बस इतना ही, जिनको नहीं पता था मे बी इन्फॉर्मेशन काम की हो तो लाइक करना यार, शेयर करना, कमेंट करना, एंड अपने सभी फ्रेंड्स को बताना इस लाइव सपोर्ट के बारे में जिनको नहीं पता है, क्योंकि न्यू प्लेयर्स को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं। सो शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बारे में जान पाएँ। सो बस इतना यार, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।